तो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। 2016 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये क्वेश्चन पेपर कंटेम्प्रेरी का है। जैसे कि चाइल्डहुड का मैं इसका क्वेश्चन पेपर दे चुकी हूँ, अब मैं आपको कंटेम्प्रेरी का बता रही हूँ किस किस तरह के क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। ये 4 साल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अंदाजा लग जाएगा कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बीएड फर्स्ट डे क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो मैराथन क्लास चल रहा है, जो भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको कॉल या मैसेज आप दोनों कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जो कि स्टूडेंट्स का जो है सिर दर्द रहता है, सबसे ज्यादा यूनिट 1 से देखेंगे। यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से आपको कोई एक करना है। तो आइए देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला तो है आपका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, औपचारिक अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की व्याख्या करें। मतलब कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा एजुकेशन से है। एजुकेशन से क्या समझते हो तो आपको एजुकेशन का डेफिनेशन लिखना है, फिर औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है, सबके बारे में करना है, आपको डिटेल में बताना है। तो मतलब ये आपका अगर ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, तो आपको जो है 5 से 6 पेज लिखने में टाइम नहीं लगेगा। शिक्षा से आप क्या समझते हो, आप 1 से 1 पेज लिख दोगे, 1 पेज ये हो जाएगा, 1 पेज ये, 1 पेज ये, इस तरह से आपका 4 से 5 पेज तो इजिली हो जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो तो सेकंड क्वेश्चन आपका है शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करें, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों की महत्व की चर्चा विस्तार से करें। इसमें क्या है, शिक्षा के उद्देश्य पूछा है, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल जो है शिक्षा से क्या समझते हैं, यानी कि शिक्षा क्या होती है वो बताएंगे, फिर उसके उद्देश्य पॉइंट में लिखेंगे, और उसके बाद जो उसके जो है व्यक्तिक जो पर्सनल जो उद्देश्य होता है और जो सोशल उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, दोनों को अलग अलग लिख करके उसके इंपॉर्टेंस को बताना। तो ये क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये पॉइंट्स में जाएगा फुल्ली, तो ये लिखेंगे तो भी सही है, वैसे ये वाले क्वेश्चन भी आप लोग जो है पॉइंट्स में लिख सकते हो। यूनिट 2 से आते हैं, क्वेश्चन कैसा आया है 2016 में, तो यूनिट 2 का क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर तो इसमें दिख रहा है 3rd नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा लोकतंत्र, समानता, धर्म निरपेक्षता एवं सामाजिक न्याय के संदर्भ में करें। देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी रूल बनाए गए हैं ना, प्रोविजन बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो बना हुआ है वो आपको लिखना है। किसके संदर्भ में लिखना है, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, धर्म के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, ये सारा जो नियम बनाया है वो आपको लिखना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, अनुच्छेद, धारा, ये सारे जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 4th नंबर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर कोठारी कमीशन कर लीजिए। मैं तो 3 से 4 अगर आपको मुझसे पूछोगे मैं कोठारी कमीशन बोलूंगी। कभी भी जो भी आयोग आए, शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन को ही बोलते हैं। 1964-66 जो बना था उसकी जो है मुख्य संस्तुतियां, यानी कि जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसके बारे में, रिकमेंडेशन तो इनका बहुत ज्यादा पेज में था ही, तो मैं बोलूंगी 4th नंबर कीजिए। कभी भी आयोग वाला क्वेश्चन आए तो वही आप लोग पहले टच कीजिए। यूनिट 3 से आते हैं। यूनिट 3 जो है एजुकेशनल फिलॉसफी से है, शैक्षिक दर्शन को परिभाषित करें और शिक्षा और दर्शन के संबंधों की चर्चा करें। तो शैक्षिक दर्शन क्या होता है वो आपको बताना है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है और एजुकेशन और फिलॉसफी में दोनों में क्या संबंध है ये। अगर 5th नंबर नहीं करना चाहते तो 6th नंबर आदर्शवाद से रिलेटेड है तो आदर्शवाद कर लीजिए। आदर्शवाद के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और अनुशासन की व्याख्या करना है, तो आदर्शवाद जहां आ जाता है तो मैं तो आदर्शवाद ही आपको बोलूंगी। फिर उसके बाद 4th नंबर में आ जाइए, 4th यूनिट में, तो 4th यूनिट में आपको जो फिलॉसफी के हमारे फिलोसोफर है उनमें से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे देखिए RN टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में 7 नंबर में है और 8 नंबर में रूसो के बारे में। तो अगर आपको टैगोर के बारे में अच्छे से आता है तो टैगोर के बारे में लिखिए, रूसो के बारे में आता है तो रूसो के बारे में। 4 फिलोसोफर का अच्छे से कर लीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जॉन डेवी, रूसो, ये सब कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी जो है गीजू जो है उनका बहुत ज्यादा चल रहा है तो वो भी एक आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 5 ये आप अच्छे से कर लीजिए।
और इनमें से कोई एक आ ही जाएगा। दो आता है वैसे, दो में से कोई आपको एक ही लिखना होता है। लेकिन अब आइए यूनिट फाइव में देखते हैं। यूनिट फाइव में है आपका यूनिवर्सलाइजेशन से क्वेश्चन आता है। विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चर्चा गुणवत्ता एवं समता के संदर्भ में बताएं, तो ये आपका आ जाएगा यूनिवर्सलाइजेशन से। टेंथ नंबर में आपका है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसरों से, शैक्षिक अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। समान विद्यालय प्रणाली इसे प्राप्त करने में कैसे सहायक हुआ है। सामान्य विद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में, तो या तो 9 कीजिए या तो 10 कीजिए, दोनों में से एक। तो ये हुआ 2016 का क्वेश्चन। अब आइए हम देखेंगे 2017 का क्वेश्चन पेपर, इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देखिए, अब फर्स्ट ही क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के अर्थ, महत्व एंड प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, तो व्याख्या करना है। यहाँ पे देखिए एजुकेशन से रिलेटेड है, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको रिपीट मिल गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी वही है, मतलब उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, शिक्षा के अर्थ एवं कार्य से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारकों की व्याख्या करें, तो ये भी सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका, तो दोनों में से कोई एक करना है। यूनिट टू में देखिए, भारत में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या लोकतांत्रिक एवं धर्म निरपेक्षता के परिप्रेक्ष्य में करें, या फिर आप फोर्थ नंबर ले लीजिए। फोर्थ नंबर जो है आपका आर्थिक आर्थिक विकास एवं शिक्षा के संबंधों की व्याख्या करें, शिक्षा राष्ट्रीय विकास से कैसे संबंधित है। तो इन दोनों में से जो आपको सही लग रहा है इसमें से करना है। ये दोनों जो है इस पर नया क्वेश्चन दे दिया यूनिट टू में, मतलब कि हमें ये देखने को मिला कि यूनिट टू में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यूनिट थ्री में देखें तो वही क्वेश्चन है, शैक्षिक दर्शन को परिभाषित करें, एजुकेशन फिलोसफी को, और उसके जो ब्रांचेज है उसको बताना है। तो ये लगभग सेम ही है क्वेश्चन। फिर उसके बाद से सिक्स नंबर है प्रेगमेटिज्म के बारे में, उसमें आदर्शवाद था, इसमें प्रयोजनवादी है, प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन की व्याख्या कीजिए, तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, इसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यूनिट फोर में देखते हैं, यूनिट फोर में है महात्मा गांधी के बारे में, वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर था, यहाँ पे महात्मा गांधी है, और यहाँ पे जॉन डीवी दिया हुआ है, जो मैं भी बता भी रही थी, ये सब चार से पांच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। इतना याद रखिए, एक इंडियन और एक जो है वेस्टर्न आपको देता है फिलोसफर, दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। जैसे पिछले बार में रविन्द्रनाथ टैगोर था और एक रूसो था, इस बार में महात्मा गांधी है और जॉन डीवी है, तो जिसके बारे में भी आप अच्छे से करे रहे उसको अच्छे से लिख दे। फिफ्थ यूनिट में देखिए, वर्तमान विद्यालय प्रणाली में, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं बता दूं, ये कॉमन स्कूल सिस्टम से है, ठीक है। वर्तमान विद्यालय प्रणाली में पाई जाने वाली असमानताओं की व्याख्या करें, सरकारी एवं निजी विद्यालय प्रयोग में शहरी विद्यालय के संदर्भ में करें, तो इस तरह से ये जो है आपका विद्यालय के बारे में है, या फिर सामान्य विद्यालय प्रणाली यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में डिटेल से लिखे, तो दोनों में से कोई एक करना है। ये आपका हो गया 2017 का। अब आइए देखेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर कंटेम्प्रेरी का। फिर देखिए, यूनिट वन में तो मुझे लग रहा है हर बार रिपीट हुआ है, शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए, सेम क्वेश्चन है शिक्षा एजुकेशन से। फिर उसके बाद से हम देखते हैं सेकेंड नंबर इसका क्या क्वेश्चन है, एक सेकेंड, सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य एवं व्यक्ति के सामाजिक निर्धारकों के अंतर को स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन वही है, बस व्यक्ति को और सामाजिक जो निर्धारक होते हैं, जो उद्देश्य बनाने वाले होते हैं, उसमें आपको डिफ्रेंसिएट करना है। यूनिट टू जो कि हमने लास्ट टाइम देखा कि 2017 वाले में एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस समय देखते हैं, भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करें। मतलब ये अगर आप देखो तो ये आपके इकोनॉमिक या फिर यूनिवर्सलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं सबसे ये क्वेश्चन रहेगा। फिर यहां पर आपको दूसरा दिखेगा, भारत के संविधान में शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रावधान, तो मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन बने हुए रहते हैं उससे ये रहता है। तो अगर आप प्रोविजन यानी संविधान में जो नियम बनाए गए हैं एजुकेशन को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, ये कर लेंगे तो आप लोग के चांसेस हो जाएंगे यूनिट टू को कंप्लीट करने के। आइए हम यूनिट थ्री देखते हैं।
शैक्षिक दर्शन, ये भी कोई यहाँ पे भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, सिंपल सेम क्वेश्चन आपको बार बार दिया जा रहा है कि एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, शिक्षा में दर्शन के संबंधों की व्याख्या करें। तो यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है यूनिट थ्री में। यूनिट थ्री का जो है 6 नंबर क्वेश्चन, आदर्शवादी की शिक्षा, पहली बार आदर्शवाद आया, दूसरी बार प्रयोजनवाद आया, फिर से आदर्शवाद दे दिया। तो ज्यादातर आदर्शवाद प्रयोजनवाद में ही ये क्वेश्चन घूम रहा है। अब उसके बाद से फोर्थ यूनिट में देखें तो बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में गीजू भाई बधेका की योगदान, मैंने अभी बताया था ना, गीजू भाई का बहुत ज्यादा पूछ भी रहा है आजकल, तो इनका भी एक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिलोसोफर के बारे में लिखा है तो गीजू भाई दिया है, या फिर आपको दिया होगा प्रारंभिक शिक्षा के विकास में मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी के बारे में दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर यूनिट में अगर आप देखेंगे तो आपका क्या दिया है, आइए देखते हैं। ये भी आप लोगों का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसमें भी करता है, विद्यालय से क्वेश्चन रहता है, कॉमन स्कूल सिस्टम से ये क्वेश्चन रहता है। हमारी विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में असमानता एक बड़ी समस्या है, सविस्तार से व्याख्या करें। इक्वालिटी जो नहीं है उसके बारे में ये है, या फिर प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार में आने वाली भिन्न प्रकार की बाधाओं का, यानी प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड ये करना है। मतलब यूनिट फाइव में भी थोड़ा सा घुमा फिरा क्वेश्चन रहे, लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम कर लेते हो आप तो आपको इजी हो जाएगा। ये 2020 का क्वेश्चन देखते हैं, 2020 में भी मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, देखिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। 2020 में शिक्षा के साधन क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में विभेद यानी अंतर बताना है। दूसरा नंबर है समाजवादी एवं व्यक्तिवादी लक्ष्यों के बीच दार्शनिक अंतर विरोध की समीक्षात्मक जांच कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है फिलोसफिकल डिफ्रेंसिएशन करना है। यूनिट टू में राष्ट्रीय विकास के सांकेतक को मुख्य रूप से शिक्षा आयोग 1964 और 66 के संदर्भ में, मतलब कोठारी कमीशन के बारे में ये लिखना है। फिर उसके बाद है स्वतंत्रता एवं समानता प्रजातंत्र के दो मुख्य सिद्धांत है, शिक्षा के द्वारा इसे आप कैसे विकसित करेंगे। तो मतलब तीन या चार में से आपको कोई एक करना है। अब आइए नेक्स्ट यूनिट में हम चलते हैं, हमारा यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, आदर्शवाद प्रयोजनवाद, आदर्शवाद फिर से प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद पूछा गया है इसमें। और इस बार 6 नंबर में दर्शन शास्त्र में शिक्षा शिक्षा में संबंध पूछा है 6 नंबर में। फोर्थ यूनिट में आइए, बुनियादी शिक्षा में गांधी जी के शैक्षिक विचार, यहाँ पे आपको गांधी जी के बारे में पूछ दिया गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया, गांधी जी का पूछा गया फिलोसोफर में। और दूसरा जो है रूसो है, ये फिर से यानी रिपीट किया है, 2016 का क्वेश्चन 2020 में जाके रिपीट कर रहा है, इन 4 साल का डिफरेंस है। तो अभी आपको 2022 में एग्जाम दे रहे हो, तो यानी 2018 वाला क्वेश्चन रिपीट करेगा, 2018 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, यूनिट फाइव। इसमें क्या है, अगेन मैंने बोला था स्कूली शिक्षा से इसमें रहता है यूनिट फाइव में, तो ये है सार्वभौम स्कूली शिक्षा यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद से कॉमन स्कूल सिस्टम जो है, विद्यालय शिक्षा प्रणाली में असमानता के कारणों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए, साथ ही साथ उपयुक्त उपायों के सुझाव भी प्रस्तुत कीजिए। तो कॉमन स्कूल सिस्टम है तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। मैं कॉमन स्कूल सिस्टम में जो है पेड स्टूडेंट जो भी हैं आप लोग को मैं एक डाल दूंगी, क्या बोलते हैं, एक जो है एक पीडीएफ दे दूंगी, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे यूनिट फाइव में जो है अगर यूनिवर्सलाइजेशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप कर लोगे, क्योंकि वो करवाया गया है। कॉमन स्कूल सिस्टम भी करवाया गया लेकिन वो शॉर्ट में करवाया गया, थोड़ा लॉन्ग में इसमें करना पड़ेगा, तो मैं आपको दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का क्या कंटेम्प्रेरी का 2016 से 2020 तक का क्वेश्चन पेपर। फिर से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से कीजिएगा जिनका भी कंटेम्प्रेरी है सिलेबस में। चलिए फिर मिलूंगी आपसे, टिल देन हैव अ नाइस डे।